और आगे बढ़ते हैं दुर्ग से इस वक्त की बड़ी खबर। स्टील कारोबारी के यहाँ इनकम टैक्स का छापा, पंचशील नगर स्थित घर में पड़ा छापा, आईटी के दर्जन भर अधिकारी मौजूद, स्थानीय पुलिस समेत रिजर्व बल भी मौजूद। तो दुर्ग से इस वक्त की बड़ी खबर, पंचशील नगर स्थित घर में छापा यहाँ पर पड़ा है, आईटी के दर्जन भर अधिकारी मौजूद रहे, साथ ही स्थानीय पुलिस समेत रिजर्व बल भी मौजूद। इस वक्त की बड़ी जानकारी दुर्ग से यहां पर सामने, दुर्ग से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां स्टील कारोबारी के यहां इनकम टैक्स का छापा पड़ा है, पंचशील नगर स्थित घर में यह छापा पड़ा है, जहां आईटी के दर्जन भर अधिकारी मौजूद है, तो वहीं स्थानीय पुलिस समेत रिजर्व बल भी मौजूद है। दुर्ग से इस वक्त की बड़ी खबर यहां पर सामने, इनकम टैक्स का छापा, दुर्ग से इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर यहां पर सामने आ रही है, स्टील कारोबारी के यहां पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा है, पंचशील नगर स्थित घर में ये छापा पड़ा है, जहां पर आईटी के दर्जन भर अधिकारी मौजूद है, तो वहीं स्थानीय पुलिस समेत रिजर्व बल भी मौके पर मौजूद है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी दुर्ग से, इस वक्त की बड़ी खबर सामने, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संध्या फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आईटी की यहां पर रेड पड़ी है, छापेमारी पड़ी है, दर्जन भर अफसर वहां पर मौके पर मौजूद बताए जा रहे हैं, क्या कुछ पूरा प्रकरण और क्या कुछ अपडेट इस खबर पर? जी आयुषी, एक रिटायर्ड फेंस संचालक है बी एन ठाकुर, उनके घर पे पड़ा है, और एक स्टील कारोबारी है जयदेव सिंघल, इन दो लोगों के यहाँ अभी दुर्ग में छापा पड़ा है, जहाँ की दर्जन से ज्यादा अधिकारी छापेमार की कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। संयुक्त संचालक बी एन ठाकुर रिटायर्ड हो चुके हैं और जयदेव सिंघल स्टील के यहाँ बड़े कारोबारी है। जी आयुषी, जी बिल्कुल संध्या, जिस तरह से आपने बताया यहाँ दो जगह छापेमारी की गई है, यहाँ दो जगह रेड पड़ी है, क्या कुछ और अपडेट इस पर मिल रही है, कितने देर तक ये छापेमारी चलेगी और क्या कुछ इससे जुड़ी हुई खबर यहाँ पर सामने? जी ये जयदेव सिंघल का घर जो है पंचशील नगर स्थित दुर्ग में है, जहाँ आईटी की टीम ने दबिश दी है और उनके दस्तावेज संभाले जा रहे हैं, जिसमें अभी पुलिस ने कोई जानकारी तो उपलब्ध नहीं कराई है और टीम के सदस्यता भी बातचीत नहीं हो पा रही है। जी आयुषी, जी बिल्कुल संध्या, जिस तरह से आपने बताया कि दस्तावेज भी यहाँ पर खंगाले जा रहे हैं, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी यहाँ पर साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।